विश्वास का अर्थ है कि तुम तार्किक रूप से लॉजिक के बेस पर बौद्धिक रूप से आश्वस्त हो कि जो कुछ कहा जा रहा है वह सही है। तर्क तुमको अपील करता है, लॉजिक तुम्हें छूता है। विश्वास का हृदय से कोई संबंध नहीं है, ये पूर्णतः मन की एक घटना है। विश्वास कोई प्रेम संबंध नहीं है। विश्वास का मतलब है कि बौद्धिक रूप से तुम इसलिए आश्वस्त हो क्योंकि तुम्हें कोई ऐसा तर्क नहीं दिखता जो इसे नष्ट कर सके। तुम्हारे द्वारा संभाले गए सभी तर्क इसे साबित करते हैं, लेकिन गहराई में एक संदेह की धारा अवश्य बहती है। विश्वास संदेह को नष्ट नहीं कर सकता, ये केवल उसे ढक सकता है। ये इतना सही ढंग से ढक सकता है कि तुम संदेह के बारे में भूल सकते हो, लेकिन वह हमेशा वहाँ होता है। किसी भी विश्वासी को थोड़ा सा खरोचो और तुमको वहाँ संदेह मिलेगा। इसलिए विश्वासी हमेशा उन चीज़ों को सुनने से डरते हैं जो उनके विश्वास के विरुद्ध जाता है। कैथोलिक चर्च लगातार कैथोलिकों को उसे पढ़ने से मना करता रहता है। वे किताबों को उनकी काली सूची में डालते रहते हैं जो कैथोलिक के लिए प्रतिबंधित होती हैं। वेटिकन लाइब्रेरी में हजारों अत्यंत सुंदर दस्तावेज हैं, हजारों वर्षों से वह इकट्ठा करते आ रहे हैं, उन सभी शास्त्रों के जिन्हें उन्होंने जलाया, प्रतिबंधित किया, निषिद्ध किया है। लेकिन वे वेटिकन लाइब्रेरी में कुछ प्रतियों को केवल एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड के रूप में रखते हैं, जो अतीत में क्या किया गया है और क्या नष्ट किया गया है, उसके कुछ सबूत। जो कुछ भी ईसाई धर्म के विरुद्ध गया है उसे नष्ट कर दिया गया है। यही काम मुस्लिमों द्वारा, हिंदुओं द्वारा, लगभग सभी धर्मों द्वारा किया गया है। ये डर क्यों? क्योंकि वह सभी इस तथ्य से अवगत है कि विश्वासी संदेह से मुक्त नहीं है। संदेह वहाँ है और कोई भी फिर से धूल उड़ा सकता है। किसी न किसी तरह उन्होंने इसे निपटाने का प्रबंध किया है, किसी न किसी तरह उन्होंने घाव को ढक दिया है, लेकिन घाव ठीक नहीं हुआ है। वह वहाँ है, वो और फैलता जा रहा है। लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं, लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि उनका संदेह गिर गया है? यदि संदेह वहाँ नहीं है तो विश्वास की आवश्यकता क्या है? विश्वास एक प्रतिकार है, यह एक दवा है। यदि तुम स्वस्थ हो तो कोई दवा की आवश्यकता नहीं है। यदि तुम में कोई संदेह नहीं है तो कोई विश्वास की आवश्यकता नहीं है। विश्वास बहुत सतही होता है, ये तुम्हें विभाजित करता है। विश्वासी केवल तुम्हारा सतही हिस्सा है और शेष हिस्सा तुम्हारे होने का बड़ा हिस्सा, 9/10 हिस्सा संदेहों से भरा रहता है। हर विश्वासी के भीतर एक उथल पुथल होती है और वह डरता है, वास्तव में डरता है कि कहीं कुछ ऐसा ना मिल जाए जो उसके विश्वास को हिला दे, और कुछ भी उसके विश्वास को हिला सकता है। भीतरी विश्वास और संदेह के बीच की इस जटिलता को पहचानो और एक ऐसी यात्रा पर चलो जो हमें सत्य की ओर अधिक गहराई से जोड़े। एक साधक को अपने संदेहों को स्वीकार करना है, जीना है। विश्वास एक छिछली घटना है। जिस दिन तुम अपने संदेहों को जी लेते हो, सत्य को वैसे ही स्वीकार कर लेते हो जैसा वो है, तब किसी विश्वास की जरूरत नहीं रह जाती। तब पहली बार श्रद्धा का जन्म होता है, जो एक प्रेम की घटना भी है। तो याद रखना, विश्वास सिर्फ एक ऊपर की घटना है और श्रद्धा भीतर की। इसी श्रद्धा का जन्म तुम्हें जड़ें देता है और तुम्हारे भीतर के फूल के खिलने की शुरुआत हो जाती है। प्रणाम।